नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपका मैं लेकर आया हूँ एक नई वैकेंसी जो इंडियन आर्मी से जुड़ी हुई है। इंडियन आर्मी MES यानी कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की आपकी वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और दोस्तों, यहाँ पर आज मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा कि इसमें टोटल कितनी वैकेंसी आई है, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आपको इस बार देखने को मिलेंगी, और इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे, इसमें आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, और आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कितना होना चाहिए, ये तीनों चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इंडियन आर्मी MES की वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आपका पिछले साल भी जारी हुआ था। तो इस बार अभी 4 दिन पहले ही इसको अपडेट किया गया है इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ पोस्ट की। तो टोटल इसमें 41,822 वैकेंसी आई है। इनमें से दोस्तों जो सबसे पहले नंबर की है, 44 वैकेंसी आई है आपकी आर्किटेक्ट कार्डरी में, 44 पोस्ट इसमें आई है। दूसरी 120 पोस्ट है आपकी बैरेक्ट एंड स्टोर ऑफिसर की। तीसरी है सुपरवाइजर की, 534 पोस्ट हैं। उसके बाद आपकी ड्रोड्समैन की है 944 पोस्ट। उसके बाद स्टोर कीपर की 1026 पोस्ट। उसके बाद आपकी सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर आपकी मेट की आई है 27,920, और उसके बाद सेकंड नंबर पर है MTS की आई है 11,316 है। तो इनको कुल मिलाकर हो जाते हैं 41,822 पोस्ट आपके लिए ये वैकेंसी आई है। ऑल ओवर इंडिया की ये वैकेंसी रहेगी, यानी कि पूरे भारत में आप कहीं से भी हैं आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें आपकी हाइट की। तो दोस्तों, इसमें जो आपकी हाइट रखी जाती है, MES में कोई भी हाइट लिमिट नहीं है। दोस्तों, MES में जितनी भी पोस्ट हैं इनके लिए यहाँ पर MTS के लिए, मेट के लिए कोई स्पेसिफिक हाइट का क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जब इसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा इसलिए चीज़ तो उसमें पता चलेगी, उसमें आपकी हाइट दी हुई होगी। लेकिन जो MES में यहाँ पर आपकी हाइट मिनिमम अगर आई भी तो 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होगी। तो यहाँ पर हाइट का भी कोई भी मतलब नहीं रहता, चाहे आपकी कितनी ही कम हाइट हो इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। MES में आपका जो है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों कोई भी दिक्कत लेने वाली आपको बात नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं या फिर ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो कंफर्मेशन है वो अभी नहीं हो पाया है, क्योंकि दोस्तों इसका कंफर्म भी तभी होगा जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो वाला आ जाएगा जब इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इसके फॉर्म अभी नहीं भरे जा रहे हैं, जब इसके फॉर्म भरे जाएंगे उससे एक दिन पहले आपका फुल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा कि कौन कौन इसके फॉर्म को भर सकता है। तो हो सकता है मेल के साथ फीमेल को भी मौका दिया जाए, लेकिन अभी पक्का नहीं है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे आपका जो है क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन रहेगा वो 10th पास रहेगा। अगर आपने 10th पास कर ली है कहीं से भी तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। तो 10वीं पास की वैकेंसी आपकी रहने वाली है। बात करें एज लिमिट की, तो आपकी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम आपकी 27 साल एज इसमें होनी चाहिए। अगर 18 से 27 साल के बीच आपकी एज है तो आप इसके फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। दोस्तों, MES में काफ़ी टाइम बाद ये आपकी वैकेंसी आ रही है, तो इस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल भी मत जाने देना। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर्म भरने का जैसे ही आएगा मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। और दोस्तों, इसकी जो उम्मीद है वो जल्द ही इसकी उम्मीद जताई जा रही है कि इसके फॉर्म जल्दी आपके भरे जाएंगे। तो जैसे ही मुझे कोई भी न्यूज़, कोई भी खबर मिलती है इससे जुड़ी, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई डाउट या सवाल हो तो आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप मेरे से कोई भी सवाल, कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ इम्पोर्टेंट जानकारी की।
तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।